विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 2.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो कल इस अभ्यास के 3 प्रश्न हम लोग हल कर लिए थे, आज इस अभ्यास के 4th प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, 4th प्रश्न में कह रहा है, परिभाषित कीजिए गुणनखंड और गुणज। तो देखिए, 2 शब्द दिया है, गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड और गुणज आपने कल हल किया। तो गुणनखंड क्या होता है, जैसे हमें कहा गया कि 12 के गुणनखंड आप बताइए, तो हम क्या करते हैं, 2 × 4 = 12 माने ये सब क्या है, 12 के गुणनखंड हैं। और लेकिन जब हमसे 12 का गुणज पूछा जाता है, तो फिर यहाँ पर 12, 24 और 36 इस प्रकार से हम गुणज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक चीज़ पता चलता है कि गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। तो देखिए, ये गुणनखंड हैं 2, 2 और ये 3। तो ये संख्याएं क्या हैं, इस 12 को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। लेकिन जो गुणज होता है, जो गुणज होते हैं दी गई संख्या, उनको पूरा पूरा विभाजित करती है। तो मैंने यह 12 अपने गुणज को पूरा पूरा विभाजित करेगी, ये गुणज इस 12 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब, इस पर यह परिभाषा एक तरह से एक दूसरे का विलोम है कि मैंने जो गुणनखंड हम ज्ञात किए, इन गुणनखंडों से दी गई संख्या जिसका हमने गुणनखंड ज्ञात किया है वह पूरी पूरी विभाजित होगी। लेकिन जो गुणज होगा वह दी हुई संख्या से स्वयं पूरा पूरा विभाजित होगा, ना कि दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से गुणज और गुणनखंड में आप अंतर समझ सकते हैं। एक अंतर और आप समझ लीजिए कि गुणनखंड हमेशा दी गई संख्या के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। गुणनखंड किसी भी संख्या का हम जब ज्ञात करेंगे, वह दी हुई संख्या के या तो समान होगा या तो उससे छोटा होगा। लेकिन जो गुणज होगा वह दी गई संख्या के समान होगा या तो उससे बड़ा होगा, लेकिन उससे छोटा कभी भी गुणज नहीं हो सकता। तो गुणनखंड और गुणज को परिभाषित करने के लिए कहा था। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। तो अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं कि 5वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिए, 5वें प्रश्न में कह रहा है, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। 5वें प्रश्न के 1st पार्ट में पूछा, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं क्या है आप जान लीजिए, जो संख्याएं स्वयं से और एक से इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं, इसके अतिरिक्त तो वह किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो ऐसी ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं स्वयं से, एक से और इसके अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपसे अभाज्य संख्या पूछा था, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा यही है कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होती, वह अभाज्य संख्या है। अच्छा, आप जैसे समझ लीजिए, जैसे एक संख्या हमने लिख दिया 5, अब बताइए 5 किससे विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा। यह एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, और स्वयं से भी यह विभाजित होगा, माने 5 से भी हम 5 में भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो एक से और 5 से इसके अतिरिक्त यह संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह अभाज्य संख्या है। यहीं पर हम 6 ले लें, तो देखिए 6 एक से विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा 6। लेकिन इसके अतिरिक्त भी देखिए यह 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है और यह अभाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य में केवल इतना अंतर है कि अभाज्य संख्या स्वयं से और एक से, इसके अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती, और भाज्य संख्या स्वयं से और एक से, इसके अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित हो सकती है। तो चलिए, भाज्य अभाज्य संख्या आप समझ गए। अब देखिए, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। प्रश्न में आपके 5वें के 2nd पार्ट पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे
छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। जो एक संख्या है वह न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य और अभाज्य में एक की गणना कभी भी नहीं करते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो वह क्या है? दो है। तो अब देखिए, इस प्रकार से पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। छठे प्रश्न को आप देखिए कि छठे प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए, छठे प्रश्न में कह रहा है कि 61 से 99 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वे अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो देखिए, प्रश्न है आपका छठा, 61 से 99 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? अच्छा, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो ये तो आप याद रखिए कि मैंने 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 100 तक की गिनती हम लिखते हैं उसमें टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। अब लेकिन 61 से 99 के बीच में पूछ लिया तो फिर ऐसा याद रख पाना अब मुश्किल है। हालांकि याद करेंगे तो याद होगा, लेकिन अगर बीच से ऐसा प्रश्न हुआ तो आप इसे ज्ञात कर लें, यही अच्छा है कि इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो इसके लिए आप 61 से 99 तक की आप गिनती लिख लीजिए और फिर बड़े ही आराम से आप चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य। तो देखिए, यही विधि हम भी अपना रहे हैं ताकि आप आराम से हल कर लें। तो देखिए, 61 तो गिनती ही हम लिख दे रहे हैं, 67। तो देखिए, प्रश्न है कि 61 से 99 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए, 61 से 99 तक की गिनती आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी अभाज्य। तो पहली संख्या देखिए 61 है, और 61 क्या संख्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। 3 से भी नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी। बस आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, अधिकतम 9 तक की विभाज्यता आप चेक कर लीजिए। और 9 तक पहाड़ा आप सभी को आता है कि यह 2 से लेकर के 9 तक में किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह आपकी अभाज्य संख्या है। 61 है आपकी अभाज्य संख्या है। अब 62 को आप जब देखेंगे तो 2 से ही यह विभाजित हो गया, माने 2 से यह संख्या विभाजित हो गई तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। माने 9 तक आपको विभाज्यता चेक करनी है। 9 तक माने 2 से लेकर 9 तक में जितनी संख्या है उन सब से भाग देकर इसमें हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, 63 है आपके सामने संख्या। तो देखिए, 3 से विभाजित हो रही है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यह क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। अब देखिए, 64 को देखिए, तो देखिए 2 से ही भाज्य हो रही है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो यह संख्या भाज्य हो गई। 65 है आप देखिए, तो 65 संख्या 3 से भाज्य है क्या? नहीं है। 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो 5 से यह संख्या है भाज्य। तो 5 से देखिए 65 विभाजित हो रहा है पूरा पूरा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो यह भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। 66 भी देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, इसे भी आप काट दीजिए। अब देखिए, 67 आप चेक करेंगे तो ना तो 2 से कट रहा है और 3 से भी ये नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, यह संख्या आपकी अभाज्य है। 2 से लेकर 9 तक आप चेक कर लीजिए, किसी से भी यह विभाजित नहीं होगा। 68 देखिए विभाजित होगा 2 से, 69 3 से हो जाएगा, 70 2 से हो जाएगा। फिर 71 आप देखिए, 71 किस संख्या से विभाजित होगा? 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 4 से, 5 से और 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो यह भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या यह भी हो जाएगा। अब देखिए, 72 है आपका विभाजित होगा, और 73 इसी प्रकार आप देख लीजिए, तो 73 2 से नहीं कटेगा, और 3 से होगा क्या? 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 6 7 8
यह भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह भी आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर देखिए आप 74 आपका विभाजित हो रहा है, 75 भी हो जाएगा 3 से, 76 भी हो जाएगा, 77 भी 7 से हो जाएगा, 78 भी हो जाएगा। अब 79 आप देखिए, एक संख्या आपके सामने है 79, तो 79 देखिए अब 2 से नहीं होगा, और यह 3 से भी नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से नहीं हो रहा है, यह क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 80 विभाजित होगा, 81 भी हो जाएगा, 82 भी। अब 83 आप देखिए संख्या, तो 2 से भी नहीं होगी यह संख्या, 3 से भी नहीं होगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं होगी, यह अभाज्य संख्या। 84 आपका भाज्य है, और 85 भी आपका भाज्य है, 5 से संख्या विभाजित होगी, 86 भी है, 87 भी भाज्य हो जाएगा, 3 से यह कट जाएगा, 88। अब देखिए 89 आप संख्या देखिए, तो 89 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4, 5, 6 या किसी संख्या से अविभाजित नहीं होगा, तो यह भी आपका क्या बनेगा, अभाज्य संख्या बनेगा। अब देखिए 90 आपका यह विभाजित हो जाएगा 2 से ही, और 91 देखिए आप, 91 विभाजित हो जाएगा 7 से, 93 91, 92 भी हो जाएगा, 93 भी 3 से हो जाएगा, 94 भी हो जाएगा, और 95 भी विभाजित हो जाएगा, 96 और 97, तो 97 देखिए 2 से नहीं होगा, और 3 से भी इसकी विभाज्यता नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, और 5 से अगर करें तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगी यह संख्या विभाजित, और 7 से भी यह, तो 7 से भी नहीं होगी, तो यह भी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगा। अब बाकी ये संख्याएं सभी भाज्य हैं, तो आप देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसी 8 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई कि 61 से 99 के बीच कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 संख्याएं हैं, और कि जो 61 से 99 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, और वो संख्याएं कौन सी हैं आप उन्हें भी यहां से और लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बीच से कहीं प्रश्न हुआ कि 71 से 99 के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो बस इसी तरीके से आप विभाज्यता चेक कर लें, और बड़ी ही आसानी से आप अभाज्य संख्याएं और जान जाएंगे, और 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। तो इस प्रकार से आपका ये 6ठा प्रश्न भी हल हो गया। तो आज बस इतना ही, और अगले प्रश्न हम कल देखेंगे। बस।